नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। हम 2023 में आपकी राशि के अनुसार आपके आने वाले भविष्य की बात करेंगे, जिसमें कि आपको बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपका लिए नया वर्ष क्या संकेत लेकर आया है, जैसे नए वर्ष में करियर कैसा रहेगा, वित्तीय मामलों में आपके पास पैसे आएंगे या खर्च का बोझ बढ़ेगा, ग्रहों की चाल से आपका भाग्योदय होगा या नहीं, लव लाइफ में रोमांस रहेगा या फिर परेशानियां आएंगी, परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, ये सब बातें आप जानेंगे। लेकिन इससे पहले, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। 2023 में हम अगर वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए 2023 का जो वर्ष होगा वो कैसा रहेगा, पहले बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। तो जो वृषभ राशि के लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है, इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित ही रहते हैं। वृषभ राशि के लोग शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं, जिसके कारण ये दिखने में सुंदर लगते हैं। वृषभ राशि वालों का स्वामी शुक्र है, इसलिए इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कामों में अधिक लगता है। अपने साथ साथ दूसरों के कला का भी ये बहुत सम्मान करते हैं। इस राशि के लोग बहुत स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं। आपका स्वाभिमान आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। स्वाभिमान की स्वच्छंदता तथा शीतलता आपकी नजर में साफ साफ देखी जा सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो कि लोगों को आपके प्रति विश्वास पैदा करने के लिए मजबूर करता है। अगर 2023 में आपके करियर की बात की जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए करियर की दृष्टिकोण से आने वाला समय काफी अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत में शनि आपकी राशि के दशम भाव में रहने वाले हैं, जिसके चलते आपके कार्य मेहनत से आप पूरे कर पाएंगे। ये वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए एक अच्छा वर्ष होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति अप्रैल तक आपके 11वें भाव में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने कार्यस्थल में बहुत लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र में संबंधित हैं तो ये एक बेहतर लाभ कमाएंगे। वर्ष के पहले भाव में आपके तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण पराक्रम का पूरा लाभ मिलने की प्रबल संभावना आपको नजर आती है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस दौरान करियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। अप्रैल के बाद बृहस्पति और राहु का संयुक्त गोचर विदेश से कोई लाभ मिलने के संकेत देता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह वर्ष में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि भगवान इस वर्ष कार्य और व्यापार में आपके लिए काफी मददगार सिद्ध होने वाले हैं। इस व्यवसायिक दृष्टिकोण में व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल समय रहने वाला है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही आपके पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है। ये तनाव विशेष रूप से अप्रैल तक रहेगा। अप्रैल के महीने में गुरु का गोचर और चतुर्भाव में गुरु की दृष्टि से घर में शांति का माहौल स्थापित होगा, लेकिन अनावश्यक खर्चे आपको परेशान करते रहेंगे। आपको अपनी संतान की ओर से कुछ चिंताएं हो सकती हैं। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन इस वर्ष मिला जुला ही रहेगा। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य की दृष्टि से सही रहेगी। अप्रैल से मई की अवधि स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यदि लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो डॉक्टर को इस बारे में जरूर आपको सलाह लेनी चाहिए। मई के बाद का समय सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको दैनिक व्यवस्था विकसित करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शनि के अष्टम भाव पर दृष्टि आपको अचानक कोई परेशानी दे सकती है, लेकिन आपको अनुशासित रहकर इस समस्या का भी हल निकालना पड़ेगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ष शुरुआत तो अच्छी रहेगी। शनि लाभ भाव में अपने
मूल त्रिकोण राशि में आपके धन आगमन की नई संभावनाओं को बनाएंगी। लेकिन व्यापारी वर्ग इस समय बड़े निवेश से बचे। कोई नया बिजनेस शुरू करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अप्रैल के मध्य में आर्थिक स्थितियों में सुधार के योग बनेंगे। इस दौरान बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी और अचानक से आपको विदेश से धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। अगर आपके परीक्षा प्रतियोगिता की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में शनि की सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेंगी। इस समय आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अप्रैल के पश्चात देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपको बहुत अच्छा रहेगा। किसी विदेशी संस्थान में आपको दाखिला मिल सकता है। उच्च शिक्षा लेने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको ये सपना आपका इस वर्ष जरूर पूरा हो जाएगा। साल 2023 में हम अगर वृषभ राशि की लव राशि की बात करें तो वृषभ राशि के प्रेम राशि फल के अनुसार इनका स्वामी शुक्र होता है, जिन्हें प्रेम के देवता माना जाता है। इसलिए इस राशि वाले के जीवन में प्यार की कभी कमी नहीं होती। इस राशि के जातक का इस साल विवाह सफल हो सकता है। साथ ही प्रेमियों के बीच अनबन जो चल रही है उसको भी आपको कम करने में भी मदद मिलेगी। साल 2023 बुध और गुरु से प्रभावित होंगे। इन ग्रहों को गोचर काफी लाभकारी रहेगा। ये रोमांटिक और वैवाहिक सफलता पाने में कारगर होंगे। प्रेम संबंधों की शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी। कुछ लोगों को इस साल अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। जो पहले से रिलेशन है उनकी शादी होने की भी संभावना है। अगर ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहे, इसके लिए उपाय के तौर पर आप प्रत्येक शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफेद रंग की मिठाई, चावल की खीर या फिर बतासे प्रसाद के रूप में अवश्य वितरित करें। वीडियो अगर पसंद आए, उपयोगी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।